में 23 में 470 विमान का दिया गया, लगभग 80 से 100 बिलियन डॉलर की ये डील है। इस डील में दो कंपनियों के पास ये डील जा रही है। पूरी दुनिया में दो कंपनी सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट बनाती है कमर्शियल सेक्टर में, एक बोइंग बनाती है, दूसरा एयरबस बनाती है। इन 470 विमानों में से 220 विमान बोइंग को ऑर्डर किए गए हैं और 250 विमान एयरबस को ऑर्डर किए गए हैं, यानी यह बाजी एयरबस के पलरे में भारी है थोड़ा सा। देखिए बोइंग के जहाजों को जितना देखेंगे उसकी नंबर सीरीज 7 से स्टार्ट होगी, 737, 747, 777, 787, जब भी इस कोड का देखिएगा तो वो जहाज समझिएगा बोइंग का है। और एयरबस की जहाजें ए से शुरू होती हैं, 3 से स्टार्ट, A319, 20, 21, A350, A380, सबसे बड़ी जहाज है ये A380, ये अभी तक का मतलब कमर्शियल लेवल का है जिसमें पैसेंजर को ले जाया जाता है। तो एयरबस की शुरुआत A390, 20, 21 ऐसे होती है, बोइंग की इस टाइप से होती है। और भी बहुत सारे डिफरेंसेज हैं इन दोनों जहाजों में, अंतर देखने के लिए अगर देखेंगे तो ये ज्यादा एरोडायनामिक है, इसका थूथूर ज्यादा ऐसे निकला होता है, जबकि एयरबस का थोड़ा सा गोल टाइप का निकला होता है। और भी कई अंतर होते हैं, इसके जो इंजन होते हैं वो जमीन से काफी करीब होते हैं बोइंग के, जबकि एयरबस के इंजन जमीन से ज्यादा ऊंचाई पर फिट किए जाते हैं। और भी इसका देखेंगे, इसका जो लास्ट का ये जो विंडो होता है वो इस शेप में होता है, जबकि एयरबस का एक सिम कार्ड के इसमें होता है। ये एक कॉस्मेटिक चेंजिंग है जिसे आप बाहर से देख के बता सकते हैं, जहाज बोइंग का है कि एयरबस का। इंजन नीचे थुथुर निकला हुआ बोइंग का, गोल टाइप का है तो एयरबस का है। इन दोनों में सबसे फेमस जो है वो बोइंग में है 737, दुनिया में सबसे ज्यादा बेचा गया तो 737, ये छोटे से रनवे पे उतर सकता है, 180 से 200 की कैपेसिटी होती है। और एयरबस में A320, ये भी छोटे रनवे पे भी उतर सकता है, छोटे जहाज छोटे बड़े किसी भी रनवे पे, और इसमें इसकी भी कैपेसिटी 180 से 200 पैसेंजर की बीच की होती है। तो ये सबसे ज्यादा फेमस है दुनिया में। अभी देखिएगा बोइंग की पहचान चौकीला ऐसे चौक निकला रहता है इसका थुथुर, इसका क्या रहता है गोल। एक और चीज होता है, इसके जो नोज व्हील के पास कवर बड़ा नहीं रहता है, इसके नोज व्हील के पास ये बड़ा सा कवर होता है। तो कुछ चीजें हैं कॉस्मेटिक जिसमें आप देख सकते हैं। अभी इन्हीं दोनों को ऑर्डर किया गया है, बोइंग और एयरबस को, इनके मैन्युफैक्चरिंग में 10 से 12 साल का लगेगा। ऐसा नहीं है कि अभी टाटा ने ऑर्डर किया अगले दिन से बन के आ जाएगा, पापड़ नहीं छानना है, जहाज बनना है, इसके इंजन कहीं और